रुक कर लेते भोपाल का, जहां से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सभी मंत्री शामिल होंगे। आपको बता दें कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा। पिछले वर्ग के युवाओं को विदेशों में स्वरोजगार की यहां पर बात भी की जा सकती है, उपलब्ध कराने के लिए कर यहां पर योजना का प्रस्ताव रखा जाएगा। स्वास्थ्य संस्थाओं की नवीन स्थापना के संबंध में प्रस्ताव, मेडिकल अस्पतालों में सिविल और मेडिकल वर्ग के लिए अलग अलग नियुक्ति का प्रस्ताव, प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन के लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक का अधिकारी तैनात करने पर विचार, ओमकारेश्वर में आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापना के लिए 198 करोड़ की स्वीकृति का प्रस्ताव, शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की जानी है स्थापित। मध्य प्रदेश में कई सारे विषयों पर यहाँ पर आज अहम बैठक होनी है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं, क्या अहम डिसीजन लिए जा सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में कैबिनेट की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आ रहा है, वो है नगरपालिक विधि संशोधन अधिनियम। और इस अमेंडमेंट का सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रस्ताव की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव को लेकर लगातार हर बार नगरपालिका चुनाव को लेकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली के बारे में बात होती है, और ऐसे में जो है लगातार इसमें परिवर्तन होते रहा है। इस बार देखने वाली बात यह होगी कि इसमें क्या एमिट करते हैं, क्या परिवर्तन करने की, संशोधन करने की गुंजाइश है, और क्या इसको मंजूरी मिलती है। इसके अलावा ओंकारेश्वर परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के साथ साथ देखिए पूरा प्रोजेक्ट है, और खुद पीएम मोदी को इसमें आमंत्रित किया जाना है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को लेके कुछ और अनुशंसाएं हैं, उनकी स्वीकृति आज होगी। इसके अलावा रोजगार से संबंधित कुछ प्रस्ताव हैं, और मंत्रियों से अनौपचारिक चर्चा भी जो है मुख्यमंत्री आज की कैबिनेट बैठक में करेंगे। जी चिराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।